दोस्तों, क्या आप भी हमेशा परेशान रहते हैं कि अभी इंटरनेट खत्म हो जाएगा, 1 GB हमारा खत्म हो जाएगा? तो ये वीडियो जरूरी है आपके लिए। दोस्तों होली का मौका पास है और यहाँ पर वोडाफोन की तरफ से एक धमाकेदार ऑफर आया है जिसमें वो जियो को काफी अच्छे से टक्कर दे रहा है। तो आइए इस वीडियो में हम उसके बारे में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने इस चैनल हिंदुस्तानी हेल्पर को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही साथ इस घंटी के निशान को दबाइए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस के फौरन लुत्फ उठाइए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण शुक्ला, करता हूं आपका स्वागत इस नई वीडियो में। दोस्तों यहां पर जो न्यूज आई है ये वोडाफोन की तरफ से ऑफिशियली आई है कि वोडाफोन दो नए ऑफर लॉन्च कर रहा है। एक है 799 रुपीज का और दोस्तों जो दूसरा ऑफर है वो है 549 रुपीज का। मतलब कि एक ऑफर है करीब 800 रुपए का और दूसरा ऑफर है 550 रुपए का। अब दोस्तों आइए हम डिटेल में यहाँ पर जानते हैं इस वेबसाइट पर जी बिजनेस के कि ये जो ऑफर है, ये जो प्लान है, इसमें आपको कितना डेटा मिलता है। दोस्तों ये जो पहला ऑफर है वोडाफोन की ओर से जिसमें आपको 800 रुपए देने पड़ते हैं और ये प्रीपेड प्लान है, तो इसमें आपको मिल जाता है दिन भर का 4.5 GB इंटरनेट। जी हाँ दोस्तों, 4G स्पीड पे आपको 4.5 GB का इंटरनेट यहाँ पर देखने को मिलेगा और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो है 28 दिनों के लिए। दोस्तों अब बात करें वोडाफोन के दूसरे प्लान की, तो वो है 549 रुपए का और इसमें जो आपको दिन भर का इंटरनेट देखने को मिलता है वो है 3.5 GB रोज का। तो दोस्तों अगर आप भी 1 GB या 2 GB से परेशान हो जाते हैं, कम पड़ रहा है, तो ये प्लान आपके काम आ सकते हैं। दोस्तों जियो में भी कुछ इसी तरह का प्लान है, लेकिन दोस्तों जियो हमेशा की तरह अच्छा ही है इस बार भी। जियो में अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं प्लान्स की ओर, तो यहाँ पर जो 3 GB वाला प्लान है वो मात्र 300 रुपए में है 28 दिनों के लिए दोस्तों, और यहाँ पर 3.5 GB वाला प्लान इनका आ रहा है 550 रुपए में, तो काफी महंगा है वोडाफोन जियो के मुकाबले। और अगर 4 GB वाले प्लान की बात करें तो यहाँ पर वो 509 रुपए में 28 GB दे रहा है, और जो वोडाफोन है मान लिया कि 4.5 GB दे रहा है पर उसकी कीमत भी काफी ज्यादा है, करीब 800 रुपए। दोस्तों उससे सस्ता तो यहाँ पर हमारा 5 GB वाला प्लान है। दोस्तों वहां पर 4.5 GB आपको 28 दिनों के लिए 800 रुपए में मिल रहा है और यहाँ पर आपको 800 रुपए में मिल रहा है 5 GB रोज का, तो मतलब वहां से 0.5 GB ज्यादा आपको यहाँ जियो में मिल रहा है। दोस्तों जियो यही नहीं अच्छा है, जियो एक और चीज में अच्छा है, वो ये कि यहाँ पर जो कॉल्स मिल रही है आपको वो थोड़ा लिमिट कर दी गई है वोडाफोन में। मतलब की आप 300 यूनिक नंबर्स पर ही कॉल कर पाएंगे, ये एक नया फंक्शन है। जी हाँ दोस्तों, 1 महीने के अंदर आप केवल 300 नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं यूनिक नंबर। इसका ये मतलब है कि आप किसी एक नंबर को रिपीट चाहे जितनी बार कर सकते हैं कॉल, लेकिन 300 से ज्यादा नए नंबर्स नहीं आने चाहिए। पर दोस्तों जियो में ऐसा कुछ नहीं है नया फंडा और एयरटेल में भी नहीं है, तो एयरटेल का अगर आप लेना चाहें तो एयरटेल ले सकते हैं, नहीं तो जियो ले सकते हैं। पर वोडाफोन भी जितने लोग यूज कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि 300 से ज्यादा कोई यूज भी करता है, काफी पर्याप्त है ये भी। दोस्तों मुझे तो जियो सबसे बेस्ट लगता है क्योंकि इसका जो प्रॉमिस है कि ये 20% सबसे ज्यादा देगा वो इसको सबसे आगे बनाता है। और अगर आपको भी जियो पसंद है तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी यूजफुल वीडियोस देखनी है। तो अभी के लिए इतना ही, चलता हूँ, बाय।